कहीं लगी तो नहीं? छोड़ो। छोड़ तो नहीं आई। बच गई उस्ताद। तकदीर अच्छी थी। किसकी? अपनी या इसकी? क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब चार भूखे भेड़ियों के बीच में एक भेड़ फंस जाए तो मतलब बताने की जरूरत पड़ती है। अब आप ये कहेंगी कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं। नहीं? अच्छा तो फिर आप ये कहेंगी कि आज मेरी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो फिर आप ये जरूर कहेंगी कि मेरी वजह से आपके सर पर जो चोट लगी है उसके लिए आई एम वेरी वेरी। मैं आपसे ये कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा ताकि आपकी इस चोट की मरहम पट्टी हो सके। चलना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा। हा? मेरी मोटरसाइकिल पर। अब आप आएंगी? आ रही हूँ। बड़ी साई हमारी तकदीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट, एकदम क्लियर कट साफ साफ बताओ नी। सो डैडी, क्या मुसीबत है? अचानक किस गैराज में आशा ने गाड़ी दी है, अभी तक लेकर नहीं आई। मैंने कितनी बार आपसे कहा एक गाड़ी और ले लीजिए, मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। क्यों सुनो? 1,00,000 रुपया ब्याज पे चढ़ाऊंगा तो 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 3,000 रुपया घर में आ जाएगा, और अगर 1,00,000 में एक गाड़ी खरीदूंगा तो 2,000 क्लियर कट आउट। मैं तो पंडित जी ये गाड़ी भी बेचने के चक्कर में हूँ। आपकी जो समझ में आए वो कीजिए। लाइए 100 रुपया दीजिए टैक्सी का, मुझे जू तक जाना है। टैक्सी में क्यों, बस में चली जा, 4 रुपए में आना जाना हो जाएगा। चंचल दास जी सर जी, ये ले 100 रुपया और छुट्टा करा के 4 रुपया बेबी को दे दे। अरे अरे बिटिया सुनो तो, हम कह रहा सर जी और बिटिया रानी पैसा ले गई। वो पैसा ले गई तो मैं तेरी तनख्वाह से 95 रुपए काट लूंगा। लेकिन वो तो 50 का नोट था ना। तो मैं तेरी तनख्वाह से 45 रुपया काट लूंगा। पंडित जी ये दोनों लड़कियां तो मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगी, आप देख कर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूंगा, और लाखों का दहेज लेकर मेरी बहू कब आएगी? कब आएगी बहू? आएगी तो बेटा पैदा होगा। ये तो और अच्छी बात है साईं, फिर से लाखों का दहेज अंदर। वो तो बात ही बात है, रेखाएं ये कहती हैं कि उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल? अरे नहीं साईं, नहीं कुछ करो, अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता। कराची से 2 इलायची लेकर चढ़ा था, पेट काट कर धन जमा किया, अब मैं क्लियर कट कंगाल नहीं होना चाहता। ये क्या लिख दिया? ये विधाता का लेख है क्लियर कट, इसे कोई नहीं मिटा सकता। राम भला करे आपका। मैं डैडी, हाय हाय, आपके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज लाया हूँ। क्या? एक महात्मा जी ने मुझको कहा जल्द ही तुमको बेटा होगा। इस उम्र में चेहरा तो देखो, मुझको डैडी आपको नहीं। उन्होंने मुझको कहा जब तुमको बेटा होगा तो तुम फौरन करोड़पति बन जाओगे, इसलिए मैं फौरन शादी करूंगा, फौरन बच्चा पैदा करूंगा और फौरन करोड़पति बन जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इनको फौरन 2 रुपया देकर रवाना करो। 2 रुपए? सर जी 2 रुपए अपने पास ही रखिए, और इन 2 रुपयों की इलायची खरीद कर कराची से वो भी अपने पास रखिए। मैं जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे 2 रुपया तो बचे। गंगाराम क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाबा तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है? तू मुझे लड़कियां नहीं अपनी चिता के लिए लकड़ियां ढूंढने को कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो क्लियर कट मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ज्योतिषी महाराज आए थे ना तो कह रहे थे। अरे तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो जी। ये क्लियर कट मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटा ज्योतिषी महाराज ये कह गए
कि तू शादी के मंडप पे जैसी दुल्हन के साथ साथ पेड़े लेने लगेगा तो तू रो रहे क्या हंस रहे रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं रोना नहीं रहती रोना नहीं वैसे तो मरना सबको ही है पर आपने इतना जीना था जी लिया मैं अपने मरने की बात नहीं तेरे मरने की बात कर रहा हूँ साथ पेड़े लेने के बाद और फिर तू वैसे मेरा केड़ा पुत्र है अरे जवानी में मरते वक्त तो वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है बेटा मुझे मरना नहीं है शुक्र है भगवान का ज्यादा चोट नहीं आई गलती मेरी थी और सजा इनको मिली नहीं माँ गलती तो मेरी थी गाड़ी तैयार करने के बाद पहियों के नट बोल्ट टाइट कर देना चाहिए था मुझे गैराज वालों ने मुझे काफी रोका लेकिन मैं जबरदस्ती गाड़ी लेकर चली गई गलती मेरी ही थी माँ जी गलती किसी की भी हो इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई वरना इसमें बड़े बाप की बेटी हमारी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आती दौलत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता लेकिन दुनिया तो दौलत को ही सब कुछ मानती है मान लो अगर मेरी इज्जत लुट जाती तो दौलत क्या कर सकती थी मेरी इज्जत तो वापस नहीं आती ना मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत तो ये है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई इसने तो बहुतों को बचाया है हाय डैडी हाय 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 मैं डैडी आज हमने यमराज को चूना लगा दिया बड़ा अच्छा किया चूना लगा दिया बड़ा अच्छा ही किया हमने शादी कर ली शादी कर ली डैडी अगर हम सात फेरे लेते तो मैं मर ही जाता इसलिए हमने सात फेरे लिए ही नहीं हमने कोर्ट मैरिज कर लिया यमराज डाल डाल तो मैं पात पात अब हमें होलसेल में आशीर्वाद दीजिए हम कह रहे हैं कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा ही नहीं सकता चुप करो जी ये किस किस्म की शादी है ना घोड़ा है ना गाड़ी है ना बाजा है ना बाजी है ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ डैडी हमें इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई क्या कह रही है ये क्या कह रही है आओ भाभी अंदर चले अरे भैया तुम भी आओ ना अंदर किसको ले जा रही है डैडी अच्छा ज्यादा नहीं खींचा चंचलदास हाँ सर जी अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा राम 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 ये आप क्या कर रहे हैं सर जी इस उम्र में और बच्चा अरे पगले अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा गंगू के बच्चे की बात कर रहा हूँ ठीक है अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रास्ता बंद क्लियर कट क्या नो पार्किंग